इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मुंबई से 70 किलोमीटर दूर स्थित है 16वीं शताब्दी का एक शहर जो एक जमाने में पुर्तगालियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। ये है वसई का किला जो आज एक सुनसान खंडहर में तब्दील हो चुका है। किसी जमाने में ये पुर्तगालियों का उत्तरी कोंकण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। यह पुर्तगालियों के गिरजाघर, अस्पताल और कई वैभवशाली इमारतों के अवशेष मिलते हैं जो उस समय इस जगह की समृद्धता के बारे में हमें बताते हैं। लेकिन इस जगह का महत्व तब खत्म हुआ जब 18वीं शताब्दी में मराठों और पुर्तगालियों के बीच यहां पर एक निर्णायक जंग लड़ी गई। इस जंग को जीता था चिमाजी अप्पा ने, जो प्रसिद्ध मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव प्रथम के छोटे भाई थे। 18वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को बढ़ाने के लिए देश भर में कई लड़ाइयां लड़ी। उस समय भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का साम्राज्य था जो केरल से लेकर गुजरात के द्यू द्वीप तक फैला हुआ था। पेशवा बाजीराव पुर्तगालियों का भारत के पश्चिमी तट पर वर्चस्व तोड़ना चाहते थे। इसी कारणवश सन 1737 में उन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी, जिसका नेतृत्व उनके छोटे भाई चिमाजी अप्पा के हाथ में था। तब चिमाजी अप्पा ने वसई पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की थी, पर पुर्तगालियों ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। इस नाकामयाबी के दो साल बाद सन 1739 में मराठों ने योजनाबद्ध तरीके से एक बार फिर वसई पर हमला बोल दिया। ये लड़ाई कई दिनों तक चली, जिसमें करीब 12,000 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। इसके अलावा संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ। चिमाजी अप्पा ने पहले वर्सोवा और धारावी पर कब्जा कर लिया, जिससे वसई आने जाने वाला रास्ता बंद हो गया। पुर्तगालियों ने बंबई के अंग्रेजों से मदद मांगी, पर अंग्रेजों ने मराठों को गोला बारूद भेज दिया। धीरे धीरे मराठों ने पुर्तगीज ठिकानों पर कब्जा करना शुरू किया और वसई की स्थिति और भी विकट हो गई। मराठों की साथ हुई एक लड़ाई में पुर्तगाली कमांडर सिल्वेरिया मेनेजेस मारा गया, जिससे पुर्तगालियों का मनोबल और भी टूट गया। इसके बाद मराठों ने वसई किले का घेराव कर लिया। मराठों ने वसई किले के चारों तरफ 12 बारूदी सुरंगें बिछाई, जिनमें से दो धमाकों की वजह से वसई किले की दीवारों में छेद हो गया। बदकिस्मती से जैसे ही मराठा सैनिक किले की दीवार लांग रहे थे, तभी तीसरी बारूदी सुरंग फट गई, जिससे सैकड़ों मराठा सैनिक मारे गए। किले को बचाने के लिए पुर्तगालियों ने मराठों पर हथगोले फेंके और मोर्टर से पत्थर भी दागे, जिससे मराठा सैनिकों में हड़कंप मच गया। इस सबके बावजूद मराठा योद्धा लड़ते रहे और एक ऐसी स्थिति में आ गए जहां से पुर्तगालियों के लिए किला बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया। इस दौरान मराठों ने पुर्तगालियों के कई महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारियों को मार गिराया था। काफी प्रतिरोध के बावजूद पुर्तगाली आखिरकार हार ही गए और उन्होंने 16 मई सन 1739 को आत्मसमर्पण कर दिया। मराठों और पुर्तगालियों के बीच हुई संधि के तहत पूरी पुर्तगाली फौज को सम्मान के साथ मार्च करते हुए शहर के बाहर जाने की इजाजत दी गई। 19 मई सन 1739 को कैप्टन सेटानो डिसूजा ने वसई किला मराठों को सौंप दिया और किला छोड़कर चले गए। विजय की निशानी के रूप में मराठा सैनिक चर्च में लगे घंटे हाथी पर लादकर ले गए। इनमें से एक घंटा नासिक पंचवटी इलाके में गोदावरी नदी के तट पर स्थित नारोशंकर मंदिर में ले जाया गया, जहां पर यह आज भी देखा जा सकता है। सालों बाद मराठा शासक पेशवा माधवराव ने वसई में बसने के लिए लोगों को मुफ्त में जमीन बांटी, पर वसई का खोया हुआ वैभव वापस लौटकर कभी नहीं आया। इसी जगह पर सन 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच एक महत्वपूर्ण संधि हुई,
जिसे द ट्रीटी ऑफ बसीन कहा जाता है। इसी संधि की वजह से अंग्रेजों को मराठों के कामकाज में दखल देने की आजादी मिली, जिसके कारण सन 1818 में अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य पर पूरी तरह से कब्जा जमाया। पुर्तगाली शासन खत्म होने के बाद वसई का महत्व खत्म हो गया। धीरे धीरे सारा व्यापार मुंबई चला गया और यहां रह गया एक छोटा सा गांव। आज वसई एक छोटे से गांव से आधुनिकता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। किले के अंदर के ये खंडहर और कुछ बचे अवशेष ही वसई के वैभवशाली इतिहास की आखिरी निशानियां हैं।